सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय संस्कृत पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 का नाम है सूक्तयः। सूक्तयः अर्थात सुंदर वचन या नीति वाक्य। लंग लकार, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय। बच्चों, ये जो सूक्तियां हैं यह हमारे महापुरुषों के द्वारा कहे हुए आदर्श वचन होते हैं, जिनका हमें अपने जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए और हमें अधिक से अधिक सूक्तियों को याद रख करके उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। ये है आपके शब्दार्थ यानी कि शब्द है और ये है आपके अर्थ। विनयम, विनयम का अर्थ होता है विनय यानी कि अच्छा आचरण या सद्व्यवहार। उद्योगिनम, उद्योगिनम का अर्थ होता है परिश्रमी यानी मेहनती। महाजनो, महाजनो शब्द का अर्थ है महापुरुष। पंथाः, पंथाः शब्द का अर्थ होता है अच्छे मार्ग। वसुधा, वसुधा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। कुटुंबकम, कुटुंबकम यानी परिवार। तो बच्चों, ये थे इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। आइए अब हम लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे और पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पुस्तक की सहायता से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूक्तयः अर्थात सुंदर या नीति वचन। लंग लकार अर्थात भूतकाल। आइए पाठ को पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम्, विद्या ददाति विनयम्। ददाति का अर्थ होता है देती है। विनयम्, विनयम् अर्थात हमारे अंदर अच्छे आचरण करने की क्षमता को, अर्थात जो विद्या है वह हमें अच्छे आचरण करने की क्षमता देती है। उद्योगिनम् पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मीः। उद्योगिनम् पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मीः अर्थात उद्योगिनम् अर्थात जो परिश्रमशील जो पुरुष, जो सिंह रूपी जो पुरुष होते हैं, जो उपेति लक्ष्मी अर्थात उनके समीप जो है लक्ष्मी स्वयं जाती है, अर्थात उन्हें धन वैभव संपदा के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह अपने कार्य को बहुत ही सुंदर और परिश्रम के साथ करते हैं, जिस कारण उन्हें लक्ष्मी के लिए यानी कि धन वैभव के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाजनो येन गतः स पंथाः, महाजनो येन गतः स पंथाः। महाजनो अर्थात जो महापुरुष होते हैं, गतः येन, येन का अर्थ होता है जिस, गतः गए हुए हैं या जाते हैं, सह पंथा वही क्या है, अच्छा मार्ग है यानी कि वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। कौन सा मार्ग? जिस पर हमारे महापुरुष भी चलते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। अब आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थाः महारिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थाः महारिपुः। आलस्य यानी कि जो हमारे अंदर आलस्य होता है, हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर उपस्थित जो उसके आलसी स्वभाव होता है, वही उसका सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु होता है। वीर भोग्याः वसुंधराः, वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा अर्थात जो धरती होती है वो वीरों के भोगने के लिए होती है, अर्थात जो वीर पुरुष होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो अपने कार्य को करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं, वो ही वसुंधरा अर्थात पृथ्वी का उपभोग कर पाते हैं। वही बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे पहले, जैसे राजा हो गए, महाराजा हो गए, ये अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार जो है अपनी वीरता से ही कर पाते थे। तो जो इस सूक्ति के द्वारा भी हम इसको पढ़ पाते। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात उदार चरित वाले यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए तो क्या है, संपूर्ण धरती ही क्या है, कुटुंब है। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, अर्थात जो वीर, जो हमारे सज्जन पुरुष होते हैं, उनके जो साधु पुरुष होते हैं, उनके लिए क्या है, समस्त पृथ्वी ही उनका परिवार होता है।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात जो व्यक्ति परोपकार करता है, जो दूसरे की सहायता करता है, उनकी मदद करता है, वह क्या है, पुण्य का भागी होता है। उस मनुष्य को क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। और पापाय परपीडनम् अर्थात पाप मिलता है। कब मिलता है पाप, जब हम परपीडनम् अर्थात दूसरे को पीड़ित करते हैं या उनको सताते हैं। इसलिए हमें कभी भी दूसरे को सताना नहीं चाहिए। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। हितकारी अर्थात जो भलाई करने वाले, जो हमें क्या है, हमारे हितकर हो, जिससे क्या है, हमारा भला निहित होता है, ऐसे वाक्य। और मनोहार यानी कि जो मन को भी अच्छे लगे, ये दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा भला करने वाले जो वाक्य है, वह जरूरी नहीं है कि हमें भी क्या है अच्छे लगते हो। और जो मनोहार्य होते हैं यानी कि जो सुंदर वचन होते हैं, जिनसे क्या है हमें आनंद मिलता है, ऐसे वाक्य जरूरी नहीं है कि क्या है हमारे लिए हितकर भी वह हो। तो इसलिए ये वचन एक साथ मिलना क्या है, बहुत ही कठिन होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षितः अर्थात जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म भी क्या है, उस ही की रक्षा करता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को, अपना जो कर्तव्य जो उसका है, उसको जो अच्छे से निभाता है, उस कारण वह क्या है, कभी भी संकट में नहीं पड़ता है। सठे साठ्यम समाचरेत। सठे साठ्यम समाचरेत। सठे मतलब सठ जो व्यक्ति होते हैं, जो धूर्त होते हैं, उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, समाचरेत मतलब उसी के समान व्यवहार करना चाहिए। तो कैसा होगा वो, साठ्यम अर्थात धूर्तता का। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा धूर्त होता है, उसके साथ हमें क्या है, धूर्तता का ही व्यवहार करना चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम का मतलब होता है जो परिश्रम होता है, उसी के द्वारा क्या है, सिद्ध्यन्ति यानी कि उसके द्वारा क्या है, कार्य क्या है, सिद्ध हो सकते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे, जब हम उस कार्य को स्वयं परिश्रम करेंगे, तब जाकर के वह कार्य क्या है, सफल हो जाता है। न मनोरथे अर्थात मनोरथ यानी कि केवल मन में कल्पना कर लेने मात्र से, या क्या है, अपने केवल विचार कर लिया और वह कार्य संपन्न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें उस कार्य के लिए क्या है, परिश्रम करना पड़ता है। तो यही इसमें बताया गया है। अब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात विनाश काल में क्या है, व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है यानी कि उसके उल्टी हो जाती है। देखिए, जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है, तब उसकी बुद्धि उसके विपरीत अर्थात उल्टी हो जाती है। जो वह व्यक्ति करना चाहता है वैसा ना हो करके वह क्या है, गलत गलत आचरण पर उतर जाता है, यानी कि वह क्या है, विपरीत उल्टे काम करने लग जाता है। तो ये थे बच्चों इसमें आई हुई कुछ प्रमुख सूक्तियाँ। तो बच्चों, हमें इन सूक्तियों से सीख लेनी है और इन सूक्तियों के अनुसार ही क्या है, अपने जीवन को व्यतीत करना है, ऐसा ही आचरण करना है जैसा क्या है, इस सूक्तियों में कहा गया है। तो उम्मीद है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन सूक्तियों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, इनका हमेशा पालन करेंगे।